नमस्कार, एनडीए थेरेपिस्ट। मैंने अपना मास्टर कायदेआजम यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में किया और मैं इसके बाद मैंने इस्लामाबाद साइकेट्रिक क्लिनिक में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क किया और अब मैं बिहेवियर थेरेपिस्ट एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट ग्लोबल सर्विस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि बिहेवियर जो है वो क्या होते हैं और किस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं। जैसे कि डिटेल में हमारे साहब और मैम हमारा ए बी वाले बिहेवियर को डिटेल में डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो ये इस तरह के बिहेवियर होते हैं, इनकी बच्चों का अटेंशन स्पैन नहीं होता, बच्चों का आई कॉन्टेक्ट नहीं होता, बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जब इनके हम बिहेवियर मैनेजमेंट पे काम नहीं करते, बच्चों के बिहेवियर को हम मैनेज नहीं कर पाते, तो इस तरह के बच्चे जो है वो फिर जल्दी में इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकते। तो हम जो है वो बिहेवियर एज अ ए बी ए थेरेपिस्ट हम बिहेवियर एनालिसिस टेक्निक यूज करते हैं। तो जो हम वो टेक्निक यूज करके बच्चों की जो अटेंशन स्पैन होता है, बच्चों का जो सिटिंग स्पैन होता है, उससे हम वर्क करते हैं और हम डेली बेसिस पे आप लोग के साथ वो वीडियोज शेयर करते हैं जो हम टेक्निक यूज करते हैं, ताकि आप लोग उनको देखें कि किस तरह की टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, ताकि वो आप लोग घर में भी अप्लाई करें। और इसके अलावा हम लोग एवरी वीक हम अपना वीडियो लेक्चर आप लोग के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोग उनको सुने, उनको फॉलो करें और बच्चों पे अप्लाई करें। क्योंकि जो एज ए बी ए थेरेपिस्ट जो बिहेवियर थेरेपिस्ट की कॉपरेशन होती है, पेरेंट्स की कॉपरेशन होती है, ये हमारे बच्चों को ज़्यादा बेहतरीन तरह ला सकती है। थैंक यू सो मच।